भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारत लिखता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत के लिए सुरक्षा हमेशा से ही अहम मुद्दा रहा है। चीन की लंबी दूरी की मिसाइलों का तोड़ निकालने के लिए भारत अपना खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में लगा हुआ था, जिसमें भारतीय डिफेंस सेक्टर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत के डीआरडीओ ने एक बार फिर से देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक बड़ी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ ने AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल टेस्ट किया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के साथ शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का विश्वसनीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इस उपलब्धि से भारत को चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों का काट मिल गया है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर के चलते भारत एक ताकतवर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकेगा। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दो फेज में पूरा किया है। पहला फेज 2000 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइलों से जुड़ा है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान की शाहीन और चीन की सॉलिड फ्यूल डोंगफेंग 21 जैसी मिसाइलें आती हैं। ऐसी मिसाइलों के खिलाफ ये सिस्टम पहले ही सफल रह चुका है। फेज 2 में 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ टेस्टिंग में भी इसने अच्छे नतीजे देकर भारत की साख को बढ़ाया है। इस सिस्टम के होने से रक्षा के क्षेत्र में भारत को कई गुना मजबूती मिली है। खास बात है कि AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का मुकाबला अमेरिका के थार्ड और रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम से भी किया जाने लगा है। इन दोनों ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। आइए जान लेते हैं इस सिस्टम की खास बातें। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे हमलावर हालातों के तौर पर ही डिजाइन किया गया है। दावा है कि इसमें एक बड़ा किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट है। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को और विमानों को रोकने में सक्षम है। टारगेट तक सटीक हमला करने के लिए इसमें स्वदेशी कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। ये मिसाइल नेविगेशन और डायरेक्शन एल्गोरिदम से भी लैस है। AD-1 सिस्टम में अमेरिका के THAAD मिसाइल जैसा डिफेंस सिस्टम लगा है। इससे ये दुश्मन की मिसाइलों को आता देख फायर हो जाएगा और जमीन से 1000 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर उसे हवा में ही खत्म कर देता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के अब्दुल कलाम आइलैंड में लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा। इसके बाद जैसे ही पृथ्वी 2 मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 ने इसे भेद कर मार गिराया। बताया जाता है कि इस टेस्ट के लिए डीआरडीओ ने एक बड़ी तैयारी की हुई थी। टेस्ट से पहले बालासोर प्रशासन ने 10 गांवों से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कैंप में शिफ्ट किया था।